आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों आप लोग के लिए एक नया बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। उस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग किस तरीक़े से लोन ले सकते हैं, आइए दोस्तों आप लोग को बताने वाले हैं कि उस ऐप से कैसे लोन लिया जाता है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को उस ऐप के अंदर में लोन लेकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली मरतबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इस ऐप के अंदर में 5,000 से लेके 1.5 लाख तक का लोन मिलता है। वो आपको सिबिल स्कोर पे निर्भर करता है कि आपको लोन ये ऐप कितना दिया जाएगा, जो मैं आपको लेकर दिखाने वाले हैं कि मुझे भी ये ऐप कितना लोन देगा, आप लोग भी देख लेंगे और इसके साथ साथ आप भी लोन ले लोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है इस ऐप में लोन लेने के लिए, दोस्तों इसका जो ट्रस्टेड है 10,000+ कस्टमर बना हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों इस ऐप के अंदर में आपको अगर 1.5 लाख तक का लोन मिलता है और इसमें मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट चार्ज 36% लगता है और 3 महीना से लेके 36 महीना आपको समय दिया जाता है। चलिए दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी की बात कर लेता हूँ, तो 500 से लेके 750 तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है। और दोस्तों जो भी प्रोसेस है आपको इसके अंदर में 100% पेपरलेस है और नहीं आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगता है। और इसमें दोस्तों अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र योर बैंक अकाउंट में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ इस ऐप के अंदर में लोन कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा। उससे पहले मेन चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप लोग इसमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जैसे कि जिस अकाउंट में आपको सैलरी मिलता है उस बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे ये सारी चीज़ है तो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा और डॉक्यूमेंट लगने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर इस ऐप के अंदर में अगर आप यहां पे 50,000 लोन लेते हैं तो आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा यहां पे देख सकते हैं और 6 महीना का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर इंटरेस्ट चार्ज जो लगता है 3558 रुपया लगता है। जो ईएमआई आपका 8,926 रुपया आपको 6 मंथ का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको जो लगेगा चार 53,556 रुपये आपको पेमेंट देना होगा। तो चलिए दोस्तों ये डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ, सिंपली आपको करना क्या है इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप है जिसका नाम है सैलरी डॉस्ट, ये आपको अपने प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आके फाइनली आपको सैलरी डॉस्ट लोन इजी एंड फास्ट इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का जो रेटिंग है 3.1 का रेटिंग है और डाउनलोड की बात कर लेता हूँ तो 1,000,000+ डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, देख सकते हैं मैं ओपन कर लिया हूँ गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश कर लिया हूँ। कंटिन्यू इंग्लिश पे आपको क्लिक कर दिया हूँ, फिर से एग्री कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दिया हूँ, सेटिंग पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके ओटीपी डालकर रजिस्टर्ड कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन कर लिया हूँ, लॉगिन करने के बाद वेलकम टू सैलरी दोस्त, यहाँ पे अपना नाम डालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपना नाम डालना है, लास्ट नाम फर्स्ट नाम, उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद सिंपली आपको देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। सो दोस्तों रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछा जा रहा है कि आपको सेलेक्ट योर लोन, आपको लोन कितना लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
2000 लेना है, 4000 लेना है, 5000 लेना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको 50000 लेना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना 50000, और ये जो लेना है कितने महीने तक लेना है वो आपको यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका ईएमआई रहेगा, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 11579 रुपया, उसी तरीका से 11579 रुपया टोटल आपको पाँच महीना तक देना है, जिसमें आपको 7397 समझिए इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। 50000 लीजिएगा तो 57397 रुपया आपको पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है अप्लाई लोन, जिसमें आपको ये पूछा जा रहा है सेलेक्ट योर पर्पस, ये आप जो लोन ले रहे हैं किस पर्पस से ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉयड टाइप में आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि सैलराइड अगर जॉब करते हैं तो सैलराइड, अगर खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिटेल्स में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट, वो सेलेक्ट कर लेना है। अपना काम के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना क्या साल का एक्सपीरियंस है वो लिख लेना है, टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना वो लिख लेना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिएगा यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सैलरी है कितना सैलरी है आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिएगा सैलरी लिखने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अपने फादर का नाम लिख लेना है, उसके बाद गाइस यहां पे देख सकते हैं सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। चलिए दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूं। उसके बाद मैरिड स्टेटस, आपका शादी हुआ है तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैरिड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल ऊपर करना है, अपना एड्रेस लिखना है, लैंडमार्क लिखना है अपने एरिया का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेम इम्प्लॉयड सेल लिख रहे हैं, अपना एरिया का पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपना यहाँ पे सिटी लिखना है, इंटर यहाँ पे बिहार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस यस कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों सिंपली आपको मैं फटाफट कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिएगा यहाँ पे सेवन प्रोसीड पे क्लिक कर लिया हूँ। सेवन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ देर लोडिंग लेगा, कुछ देर लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा बैंक का डिटेल डालना है, जिसमें आपको यहाँ पे बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। चलिए गाइस आईएफएससी कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, अकाउंट नंबर लिखना है। चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद सिंपली आपको ये करना है सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का डिटेल डालना है, जिसमें आपको जिस कंपनी में आप काम करें कंपनी का नाम लिखना है। सैलराइड क्लिक करना है, काम जो काम करते हैं काम का डिटेल डालना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस डालना है, उसके बाद कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। उसके बाद गाइस फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का पूरा एड्रेस डालना है, कंपनी का जहाँ काम करते हैं उसका लैंडमार्क लिखना है, कंपनी के एरिया का पिन कोड डालना है। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जिसके नाम से आप लोन लेते हैं उसका सेल्फी अपलोड करना है, उसका पैन कार्ड डालना है, उसके बाद आधार कार्ड के आगे का, आधार कार्ड का पीछे का यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना है, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का अपलोड करना है। उसका सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस आएगा अपने हिसाब से आपको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है और फाइनल सबमिट कर लेना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करना है 10 मिनट वेट करना है, जैसे आपका लोन अप्रूवल होता है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक यही एक नया बेहतरीन आप लोग के लिए लोन लाया हूँ, इस एप्लीकेशन से बेहतरीन आप लोन पा सकते हैं।
तो भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए।